जय महाकाली। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुशमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तनीत्यानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। देवी कवच में माता नव दुर्गा के नौ स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें माँ का प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का है, जिन्हें हम हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी कहते हैं। माँ पार्वती देवी मतलब शैलपुत्री जो स्वरूप है वह गिरिराज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती देवी हैं। यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं माँ। तो माता वृषभ पर आरूढ़ है, इसीलिए माता को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में पुष्प है। माँ त्रिशूल से भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों को दंड देती हैं। वहीं कमल पुष्प शांति और समृद्धि का प्रतीक है। माँ को श्वेत रंग विशेष प्रिय है, इसीलिए माँ के शैलपुत्री श्रृंगार में माँ को श्वेत रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और माँ का विशेष प्रिय भोग गौ माता का शुद्ध घी है। शैल यानी दृढ़ता का प्रतीक है। इसी तरह माता रानी की साधना, जब प्रथम दिन जो साधना है माँ शैलपुत्री की, उसमें साधक का जो मूलाधार चक्र जागृत होता है, साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है। वंदे वांछित लाभाय चंदार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा है। तो माँ को, माँ के जो भक्त हैं, माँ के जो साधक हैं, उनको जाप के द्वारा या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता के साधकों को जाप के द्वारा, माँ की साधना के द्वारा अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करना चाहिए। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है माँ शैलपुत्री के साधना के द्वारा। तो माता रानी का स्वरूप अत्यंत सुंदर है और माँ को घी का भोग लगाया जाता है, माँ को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। जय माँ काली।